भी बोलने वाली बेड़ियां। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं संध्या काल की सैर पर जा सकता हूं? खुशी से डेसमंड, मगर मैं चाहूंगा कि तुम किसी संकट से दूर रहो। और जब डेसमंड बंदरगाह के किनारे टहल रहा था, श्रीमान, कृपया अपने हाथ उठा लीजिए। आपके पास निश्चित ही कुछ रुपए होंगे जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कहा ना, मैं इस आवाज को पहचानता हूं। एल्फी, एल्फी डकवर्थ, डेसमंड, मेरे पुराने मित्र एल्फी, बहुत सालों बाद मिले। बहुत वर्ष पहले कारागार में हम साथ थे, छूटने के बाद आज मिलना हुआ। डेसमंड, अरे वाह, तुम तो भद्र पुरुष बन गए हो। मैं अब सुधर चुका हूं, ऐसी आशा है तुम भी सुधर गए होगे। मुझे पिस्तौल देखकर आश्चर्य हुआ, तुम तो लोगों की जेबें काटते थे। अरे, यह तो खिलौना है, मेरे पास बस यही है। मेरे दोस्त, इसे फेंक दो और जीवन की नई शुरुआत करो, जैसा तुम कहो। डेसमंड, इसने पुराने जीवन से संबंध विच्छेद कर लिए। जल्दी ही, ये आपके लिए सर, यह जाम पुराने दिनों के नाम। डेसमंड, आशा है पुराने दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैंने पुराने काम छोड़ दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। डेसमंड, तुम क्या करते हो? मैं श्रीमान रिमिंगटन किर्बी के घर की देखरेख करता हूँ। डेसमंड, क्या तुम मुझे अपना काम सिखाओगे? मुझे थोड़ा बहुत आता भी है। दोस्त, तुम लंदन के कुख्यात जेब कतरे हो, तुम सिर्फ लोगों की जेब साफ करना जानते हो। मैं वह सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। डेसमंड, एल्फी, मैं तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर सकता हूँ और फिर हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद डेसमंड। बाहर निकलते हुए, उफ, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर लूमी, मैं लड़खड़ा गया था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। एल्फी का यह व्यवहार उचित नहीं है, मुझे लगता है यह आपका है, मैंने इसे फर्श पर पाया। क्या? हाँ, ये तो मेरा ही है। मैं नहीं जानता कि कैसे मेरा बटुआ फर्श पर गिर गया, पर इसे लौटाने के लिए आपका धन्यवाद। अरे, यह तो हो जाता है। शुभ रात्रि। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने ही उसका बटुआ मारा था। पर मैंने उसका बटुआ उसे वापस कर दिया, क्या तुमने नहीं देखा डेसमंड? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं अब सुधर गया हूं, लेकिन मैं अपनी कला भूला नहीं हूं। एलसी, अगर तुम सचमुच में सुधर चुके हो तो अपनी जेब काटने की आदत को भूल जाओ। पुरानी आदतों को छोड़ना कठिन है डेसमंड, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यहां पर किराए से कमरे मिलते हैं। डेसमंड, तुम मुझे रुपए दे दो, मैं किराया चुका दूंगा। एलिफ, मुझे तुम पर विश्वास है, पर मैं स्वयं ही मकान मालकिन को रुपए दूंगा ताकि वह मुझे लौटा सके। डेसमंड, तुम काफी कठोर हो। एल्फी, मैंने एक सप्ताह का किराया चुका दिया है, या कुछ रुपए रखो तुम्हारे खाने के लिए। डेसमंड, तुम सच्चे मित्र हो। मुझे श्रीमान किर्बी को एल्फी के बारे में जरूर बताना चाहिए। तुम्हें मिस्टर डकवर्थ को घर पर बुलाना चाहिए था डेसमंड, हमारे पास एक अतिरिक्त शयन कक्ष भी है। श्रीमान, क्या मैं एक बिल्ली को मुर्गियों के बीच रख दूं? डेसमंड, इसका मतलब यह है कि तुम्हें एल्फी पर अभी भी विश्वास नहीं है कि वह सुधर चुका है। श्रीमान, मैं सोचता हूं कि मुझे सतर्क रहना चाहिए। हे भगवान, मेरा बटुआ गायब है। हे भगवान, मेरा बटुआ गायब है। अरे, याद आया, मैंने तो अपने बटुए को सुरक्षा की दृष्टि से शर्ट के अंदर रख लिया था। डेसमंड, तुम्हें मिस्टर डकवर्थ पर काफी विश्वास है। श्रीमान, मैं एल्फी को एक पुराना सूट दे रहा हूं,
ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। एक बटलर के तौर पर शुभकामनाएं डेसमंड, एल्फी से बटलर क्लब में मिलना ही उचित रहेगा। बहुत बढ़िया डेसमंड, शुक्रिया दोस्त। एल्फी, मुझे लगता है कि कुछ कमी है। डेसमंड, मेरी टोपी को क्या हुआ? यह अच्छी नहीं है, तुम्हें कोई दूसरी चुननी चाहिए। अरे हाँ, यहाँ पर बहुत सारी हैं, इनमें से जरूर कोई मुझ पर जचेगी। एल्फी, उस टोपी को वापस रख दो, तुम्हें दूसरों की चीजें नहीं उठानी चाहिए। ये लो, इसे पहनो, मैं इसे पुराने बाजार से लाया हूं। धन्यवाद डेसमंड, अब मेरे लिए अगला सबक क्या है? एल्फी, अपने कपड़ों का ध्यान रखो और अपने मालिक के कपड़ों का भी। एल्फी प्यारे, जरा संभल कर, जैसा मैंने सोचा था यह उतना आसान नहीं है। एल्फी, एक अच्छा सेवक प्रातःकाल समाचार पत्र को ट्रे में रख कर मालिक को देता है। और ये देखो, चाय इस तरह बनाई जाती है। मित्र डेसमंड, ईमानदारी से जीना बहुत कठिन लग रहा है। निराश नहीं होते एल्फी, एक दिन तुम बहुत अच्छे सेवक बनोगे। पता नहीं डेसमंड, अगर मैं सीख भी जाऊं तो मुझे नौकरी कौन देगा? और नगर के किसी दूसरे हिस्से में। तुम्हारा क्या मतलब कि तुम्हें काम का कोई आदमी नहीं मिला? बिग एड, हमने सबसे पूछा मगर कोई भी काम करने को तैयार नहीं, सब तुमसे डरते हैं। अपनी तलाश जारी रखो, मैं अच्छे पैसे दूंगा। डेसमंड, क्या तुम्हारा बटलर क्लब एल्फी को कहीं नौकरी दिलवा सकता है? श्रीमान, मैं तो यह भूल ही गया था। रिप, डेसमंड का मित्र एल्फी कैसा है? उसे श्रीमान एडगर ने नौकरी के लिए अपने घर पर बुलाया है। मुझे लगता है डेसमंड से प्रशिक्षण लेकर एल्फी अब पूरी तरह तैयार होगा। श्रीमान एडवर्ड के घर पर। मेरा नाम एल्फी है, मुझे श्रीमान एडवर्ड ने बुलाया है। एल्फी, अच्छा, अंदर आ जाओ। धन्यवाद श्रीमान। देखो जरा संभल कर। मैं माफी चाहूंगा श्रीमान, इसके पास तो पिस्तौल है। ठीक है, उसे अंदर भेजो, देखता हूं जल्दी ही। अच्छा, तो तुम एल्फी हो, नए सेवक। मैं अच्छा काम करने का प्रयत्न करूंगा मिस्टर एडवर्ड। लगता है इसके पास भी पिस्तौल है, ये सब क्या है? ठीक है, शुरू हो जाओ, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। ये लीजिए श्रीमान, चाय में शक्कर लेंगे या नींबू? शक्कर, नींबू? एल्फी, क्या धनवान घरों के लोग यही सब पीते हैं? जी हाँ श्रीमान, यह बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बार पीकर देखता हूं। एल्फी, तुम जाओ, मेरे कपड़ों को व्यवस्थित करो। इतनी बड़ी बंदूक मिस्टर एडवर्ड को मेरी नहीं बल्कि किसी बंदूक विशेषज्ञ की आवश्यकता है। किंतु मित्र डेसमंड ने मुझे सिखाने में काफी मेहनत की है, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। श्रीमान एडवर्ड ने एल्फी को अपने कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए रखा है, अब एल्फी काफी व्यस्त है। कोई और तैयार नहीं था, शायद इसलिए एल्फी को ये नौकरी मिल गई। यह मामला मुझे कुछ रोचक लग रहा है। आपको यह बात रहस्यमयी लगे, किंतु कोई नहीं जानता कि मिस्टर एडवर्ड के पास इतने सारे रुपए आते कहां से हैं। न्यूयॉर्क की रहस्यमयी दुनिया के एक अंधेरे घर में देवियों और सज्जनों, अपने अपने दांव लगाइए, आइए। उसी घर के किसी दूसरे हिस्से में। श्रीमान एडवर्ड, आपका सूट बहुत शानदार है, यह काफी महंगा है एल्फी। एल्फी, अब तुम उस लफंगे की जगह जाकर खड़े हो जाओ, हमें अपने अतिथियों को प्रभावित करना है। प्रवेश द्वार पर, क्या आज रात आप कोई पार्टी दे रहे हैं श्रीमान?
एल्फी, मैं हमेशा ही पार्टी देता हूं और हमारे मेहमान हमें बहुत सारा धन देते हैं। मुझे मालिक की बात मानना चाहिए, परंतु मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपका स्वागत है। ये बहुत धनवान लगते हैं। इनका बटुआ जरूर बहुत मोटा होगा। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैडम, मेरा नाम एल्फी है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बहुत बढ़िया। एडवर्ड ने अच्छे लोगों का चयन किया है। मुझे जानना चाहिए आखिर यह किस तरह की पार्टी है। समझा। यह ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं सुधर सकूं। बंदूकें, जुआ, यह सब गैरकानूनी है। मुझे पता लगाना चाहिए कि मिस्टर एडवर्ड और क्या-क्या करते हैं। मेरे मन में लालच आ रहा है कि यह सब उठाकर 9-2-11 हो जाऊं, परंतु मैंने मित्र डेसमंड को वचन दिया है। वापस अपने स्थान पर जाओ। मुझे डेसमंड को सब कुछ बताना चाहिए। एल्फी का पहला अनुभव कैसा रहा? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। डेसमंड, श्रीमान एडवर्ड के घर पर यह सब होता है। मैंने मजदूर दिवस की छुट्टी का इंतजार किया ताकि तुमको सब कुछ बता सकूं। यह सब काफी रोचक है, परंतु तुम्हारे लिए उचित नहीं। तुम इसमें फंस सकते हो। जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई दूसरी और नौकरी नहीं है। तुम घबराओ मत, दोस्तों से बात करते हैं, रोमांचक क्लब के सदस्यों से भी मिलते हैं। अगला दिन खतरे का पैगाम लाया। श्रीमान, यह आपके लिए एक संदेश, वो भी प्लेट पर। बहुत बढ़िया एल्फी, हर बार की तरह फ्लाइट से आ रही हूं। जल्दी भेंट होगी, नीता। एल्फी, आज रात एयरपोर्ट जाकर मिस नीता को ले आओ। मैं तुम्हें फ्लाइट नंबर दे दूंगा। ठीक है श्रीमान। अच्छा, तो तुम हो एडवर्ड के नए सेवक। मैंने काफी सुना है तुम्हारे बारे में। वो बाहर आ रही है। उसके पास माल भी है, लेकिन इस बार वो माल हमारा होगा। ऐसा लगता है वो कार हमारा पीछा कर रही है। और एक सुनसान जगह पर हमारा रास्ता रोका गया है मिस नीता। एल्फी, ये उससे भी बुरा है। हमारे अपहरण की कोशिश की जा रही है। कांच को नीचे करो। मिस नीता बहुत तेज निकली। अब यहां से चलो जल्दी। और उधर, मुझे आशा है बुरे जीवन से निकालने के लिए एल्फी जरूर मुझे धन्यवाद देता होगा। घायल बदमाश पीछे रह गए। इतना काफी है उन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। क्या मैं फिर से आपराधिक जीवन की तरफ जा रहा हूं? मैं आपको किस होटल में ले चलूं मिस नीता? सीधे श्रीमान एडवर्ड के घर चलो एल्फी। हे भगवान, बंदूकें, गोलियां, यह तो जेब काटने से भी ज्यादा खतरनाक है। याद रखो, तुमने कुछ भी नहीं देखा। जी, कुछ भी नहीं। डेसमंड का मुझे सुधारने का तरीका काफी निराला है। एल्फी, सामान को उस टेबल पर रख दो। जैसा आप कहें श्रीमान। यह कैसा सामान है जिसके कारण बदमाशों ने हम पर हमला किया? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सामान है एड। रुक जाओ नीता। एल्फी, बाहर जाओ। कोई परेशानी? हाँ, कुछ लोगों ने हम पर हमला किया, पर मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। एड, ये देखो, बहुत अच्छी किस्म का माल, जूतों में, लिपस्टिक में, पाउडर में, सभी जगह छुपा हुआ है। तुम तो करोड़ों का माल लेकर आई हो। मैंने एक ड्रग स्मगलर की गाड़ी चलाई। मुझे डेसमेंट को बताना चाहिए। तो ये है सारा मामला। मैं एक सेवक नहीं, एक ड्रग स्मगलर बन गया हूं। इसीलिए कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता था। हमें दुख है एल्फी, तुम्हें तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और अगर तुम चाहो तो पुलिस के मुखबिर बन सकते हो। नहीं, मैं पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने आप को इससे बाहर निकाल लूंगा। बेचारा एल्फी। श्रीमान,
एल्फी उन बदमाशों को पुलिस से नहीं पकड़वा सकता? यह मुश्किल है डेसमंड। उसके पुराने जीवन को देखकर पुलिस उस पर विश्वास नहीं करेगी। वो देखो, एडवर्ड का खास आदमी, इसका नाम एल्फी है। अरे हाँ, यह उस दिन ड्राइव कर रहा था। यह एल्फी तो गैंगस्टर्स की तरह कपड़े नहीं पहना है ल्यूटिनेंट। ये खुद को बचाने का एक तरीका हो सकता है सार्जेंट। किंतु समय आने पर हम इसे इसके साथियों के साथ पकड़ लेंगे। और यहां पर रिप, अगर एल्फी के मन में लालच आ गया और वो बदमाशों के गिरोह में शामिल हो गया, तब क्या होगा? तब तो डेसमंड का विश्वास टूट जाएगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। हम एडवर्ड के गैंग पर धावा कब बोलेंगे ल्यूटिनेंट? बहुत जल्द। उनके पास माल पहुंच चुका है। एड, एक बुरी खबर, पुलिस हमारे करीब पहुंच चुकी है। कितने करीब? यही समझ लो, सामने खड़ी है। हमारे पास कुछ ही पैकेट बचे हैं, लेकिन उनको छुपाने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। खुद को बचाने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। एल्फी को बुलाओ यहाँ। यस बॉस। एल्फी, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं इसी वक्त। क्या मेरे पास कोट पहनने का समय है? नहीं, जल्दी चलो, मैं तुम्हारा कोट ले चलता हूं। डोरबेल की आवाज आ रही है। पहले बॉस से बात करो। इस तरह आपके सामने आने के लिए मैं शर्मिंदा हूं। श्रीमान, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? एल्फी, मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम तैयार हो जाओ। मैं मदद करती हूं। वो कोट मुझे दो। चुपके से पैकेट एल्फी के कोट में रख दिए गए। लाओ, मैं तुम्हें कोट पहना दूं। धन्यवाद। डोरबेल लगातार बज रही है। क्या हमें और इंतजार करना चाहिए ल्यूटिनेंट? नहीं, दरवाजे को तोड़ दो। बहुत अच्छे एल्फी, अब तुम जाकर दरवाजे को खोल सकते हो। ठीक है श्रीमान। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम सब साफ हैं। पैकेट एल्फी के पास है, पुलिस उसे पकड़ सकती है। कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा है। पुलिस, ये तो पुलिस है। आराम से, संभल कर बेवकूफ। सावधान, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। हमारे पास वारंट है इस घर की और सब लोगों की तलाशी के। आपसे कुछ गलती हुई है इंस्पेक्टर, यह एक सम्माननीय घर है। लेकिन इस एक को छोड़कर, यह यहां पर नया है। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। सीधे खड़े रहो, हम सभी की तलाशी लेंगे। नए आए हो? कौन हो तुम? एल्फी डकवर्थ सर, मैं यहाँ का सेवक हूं। उसकी जेब में इतना माल भरा है कि उसे उम्र कैद हो सकती है। मर्फी, इसकी तलाशी लो, देखिए इसके पास क्या है। डेसमंड ने मुझे कभी इस परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। अच्छी खबर श्रीमान, मैंने एल्फी के लिए एक अच्छे घर में नौकरी ढूंढ ली है। डेसमंड, क्या तुम्हें यकीन है कि एल्फी अब सुधर चुका है? मुझे पूरा विश्वास है एल्फी पर श्रीमान। शायद। तुम्हें क्या मिला मर्फी? कुछ नहीं ल्यूटिनेंट, इसके पास सिर्फ कुछ सिक्के हैं। ठीक है, ये साफ है। यह असंभव है, पैकेट उसी के पास थे। अच्छा, वो तो नहीं। अब तुम्हारी बारी है। शौक से तलाशी लीजिए, मैं नहीं डरता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? आटा? क्या तुम इसकी रोटी बनाओगे? अरे, ये मेरे जेब में कैसे आया? ये हमें बताओगे। मिस्टर एडवर्ड को हथकड़ी लगाई जाए। मैडम, कृपया अपना पर्स दिखाइए। इसके अंदर कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। मैं खुद देख लूंगा। ये क्या है? इतना सारा आटा? क्या तुम लोग बेकरी खोलना चाहते हो? इसके पास से भी कुछ मिला है ल्यूटिनेंट? इन सभी के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर लो। सेवक को जाने दो। एल्फी, तूने हमें फंसाया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्रीमान, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं।
इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। चलो चलो पुलिस मुख्यालय ले चलो इन सबको, उधर मिस्टर किर्बी के घर पर। मुझे एल्फी को बचाना होगा श्रीमान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ डेसमंड। आपकी मदद का बहुत धन्यवाद श्रीमान। वो लोग चले गए, अब मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे दुख है मैं अच्छा काम ज्यादा दिनों तक नहीं कर सका। ईश्वर का धन्यवाद, मेरे हाथ अभी भी तेज हैं। उन बदमाशों ने मेरी जेब में ड्रग्स रखने की कोशिश करी। अलविदा ऑफिसर, तुम भाग्यशाली हो जो बच गए, खतरों से दूर रहो। किंतु तभी एडवर्ड गैंग के दूसरे बदमाश भी आ पहुंचे। एडवर्ड और दूसरों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये कौन है जो बाहर आ रहा है? इसे एडवर्ड ने सेवक की नौकरी दी थी, मगर यह पुलिस का जासूस निकला, इसी ने सभी को पकड़वाया है। वो बस स्टॉप की तरफ जा रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। एड उसे जरूर मार देना चाहता होगा। अब मैं डेसमंड और श्रीमान किर्बी के सामने नहीं जा सकता, मुझे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे वापस बंदरगाह चले जाना चाहिए जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। हो सकता है मुझे किसी शिप पर नौकरी मिल जाए। यही वो बार है जहाँ पर डेसमंड और मैंने एक अच्छे जीवन की योजना बनाई थी। मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना चाहिए। क्या आज रात अकेले हो? हाँ, मैं और मेरी तन्हाई। और वहां पर आप कह रहे हैं कि सब चले गए ऑफिसर? हाँ, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया सिवाय उस सेवक के जो वहां से चला गया। क्या उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है? नहीं श्रीमान किर्बी, वो भाग्यशाली था, उसके पास से हमें कोई ड्रग्स नहीं मिले। श्रीमान, एल्फी बहुत संवेदनशील है, शायद मुझे पता है कि वो कहां गया होगा। ये लीजिए श्रीमान डकवर्थ। धन्यवाद श्रीमान लूमर, ये मुझे सोचने में मदद करेगा। मैंने अपनी जमानत करवा ली है और तुम जानते हो मुझे वो चाहिए, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। मैं उस एल्फी को जान से मार दूंगा। हमने उसकी जेब में ड्रग्स रखी और उसने वापस हमारे जेबों में रख दी। वो अंदर है बॉस, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। चलो अंदर चलते हैं, मेरा इशारा मिलते ही उस पर झपट पड़ना। ठीक उसी समय, यही वो जगह है श्रीमान। ठीक है डेसमंड, हम लोग आशा करते हैं कि एल्फी यहीं पर मिलेगा। पकड़ लिया तुझे धोखेबाज बदमाश। मिस्टर एडवर्ड, मैं तुझे सिखाता हूं अब। माफ कीजिएगा, जिसकी आप गर्दन दबा रहे हैं वो मेरा मित्र है। तुम्हें भी चाहिए क्या? इसकी जरूरत नहीं। अपने सेवक का गला दबाना कोई सभ्यता नहीं, उसने बॉस को गिरा दिया। चलो पकड़ो उसे। बदमाश श्रीमान किर्बी की तरफ लपके, लेकिन तभी दंगा फसाद यहां नहीं चलेगा। धन्यवाद मिस्टर लूमर। कोई बात नहीं, हम अच्छे ग्राहकों की हमेशा मदद करते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरी नौकरी है एल्फी। धन्यवाद डेसमंड, मगर मैंने सुधरने का एक दूसरा रास्ता चुन लिया है। मैं वापस शिप पर जा रहा हूँ, अपने कैप्टन से बोल दूंगा कि मैं भटक गया था। बाय बाय। कितने अच्छे मित्र हैं, मुझे इनकी खातिर सुधर जाना चाहिए।